हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? कैसे हैं जी, कैसे हैं? लास्ट क्लास में हमारा कॉस्ट शीट चल रहा था जी। आओ जी, जरा कॉस्ट शीट निकालो, एक बार रिवाइज करते हैं सारा, शुरू से रिवाइज करते हैं जी। कॉस्ट शीट निकाल लो एक बार, शुरू से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और चलेंगे जी आगे। हाँ जी, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस तो मतलब बात नहीं करते, कॉस्ट शीट की बात करते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था, जरा रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे जो जगह है जहां पे खर्चे हो सकते हैं, तीन डिपार्टमेंट है जहां पे खर्चे हो सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। उसके बाद खर्चे तीन टाइप के हो सकते हैं, मेटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, और इसकी फर्दर डिविजन दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद हमने इन सारे खर्चों को लाइन से लगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इज प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किए थे तो बन गया था क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड ऐड किए थे, बन गया था ऑफिस कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड ऐड किए थे, बन गया था कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हमने मेन कॉस्ट शीट की थी अपनी, और मेन कॉस्ट शीट में यही फॉर्मेट था, बस थोड़ी बहुत चीजें ऐड हो गई थी, जैसे कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हो, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब फ्रेट इनवर्ट जिसे आप कह सकते हो, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल ऑफ मटेरियल। और ये मटेरियल रॉ मटेरियल है, कंफ्यूज मत होना, ये जो मटेरियल है जो यहां पे बात होती है ये रॉ मटेरियल की बात होती है, कि कोई रॉ मटेरियल आपने बेच दिया तो कंज्यूम्ड आपका थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करो, प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आएगा, प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP इज नेट वर्क्स कॉस्ट, प्लस ऑफिस के ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस सेलिंग ओवरहेड इज कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यहां तक की कहानी हम लोगों ने कर ली थी, और इसके बाद बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस ही हैं। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपने हमने काफी सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं अभी तक। आओ जी, कॉस्ट शीट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट शीट में हमारा सवाल नंबर पहला हम लोग कर चुके हैं। मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से बताओ, पहले दो हमने कर लिए थे, जहां तक ब्लैक पेन मार्क है इसका मतलब हमने कर लिए हैं। उसके बाद 13 हम लोग कर चुके हैं, 13 आपका शायद होमवर्क में था, यही साथ में हम लोग कर चुके हैं। 14th बस हमने नहीं किया है अभी तक, या 14 भी कर लिया है, 14 नहीं किया है, लेकिन ये बिल्कुल सेम चलो अभी करते हैं इसको, 14 को करते हैं। 15th हम लोग कर चुके हैं, 16th भी हम लोगों ने कर लिया है, 17th भी सॉल्यूशन साइड में लिखे हुए, 18th भी कर लिया है, 19th भी मैंने आपको क्लास में कराया है। उसके बाद 20th बिल्कुल सेम है पहले के जैसा, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो देख लेते हैं एक बारी, वो देखते हैं एक बारी। 16 हमने तो कर लिया था, नहीं हमारा बिल्कुल सही आया था आंसर, कहां पे वो छोड़ो, हाँ वो एक ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गलत लिखी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू गलत लिखी हुई है, वो छोड़ दो। उसके बाद 21 भी हम लोग कर चुके हैं, 22 सवाल नंबर 22 भी हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि यहां पे मैं देख पा रहा हूं ये हम लोगों ने कर लिया है, हाँ जी। और सवाल नंबर 23 बिल्कुल सिमिलर है, कर चुके हम। 24 सवाल नंबर 24 हम लोगों ने कर लिया है, ये भी मैं हमने कर लिया है, क्लास में किया था सवाल नंबर 24। 25 बच्चे कह रहे सर एक बार 25 करा दो, आओ बेटा सवाल नंबर 25 करते, आखिरी इकलौता सवाल है, सवाल नंबर 25 करते, आ जाओ जी मेरे साथ साथ। कॉस्ट शीट बनाओ, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार जुलाई वाला एग्जाम और एक बार दिसंबर वाला एग्जाम देखेंगे इसके बाद, कि वैसे उसमें कॉस्ट शीट का कैसा सवाल आया,
क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो पहले मेरे साथ जरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लो जी। आओ जी, ये कर लिया तुमने, हो गया ये क्वेश्चन हो गया। जिसका नहीं हुआ मेरे साथ साथ कर लो जी एक बार। हाँ हो गए थे ना, मतलब मुद्दे की बात ये है बस। हाँ तो 24 हमने क्लास में कर लिया मेरे ख्याल से। आओ जी 25 पे आ जाओ और उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम के सवालों पर। वैसे अगर आपने कर लिया है एक बार तो हम इसको डिस्कस आंसर के साथ भी कर सकते हैं। आओ जरा, क्योंकि काफी बच्चों ने होमवर्क के रूप में शायद कर लिया होगा, तो इसको आंसर के साथ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। 10 नंबर का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 19 में। आओ जी, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं 10-10 नंबर के, मुफ्त के नंबर हैं। देखो जी, एक्स वाई जेड एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसने ये इंफॉर्मेशन आपको दी है 1 सितंबर को और 30 सितंबर को। ओपनिंग दे रखा है रॉ मेटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी दे रखा है, क्लोजिंग रॉ मेटेरियल, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आपको दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है। उसके बाद 1 लाख हमारी टारगेट प्रोडक्शन है ड्यूरिंग द मंथ, एक महीने में हम 1 लाख बनाएंगे। कंज्यूमेबल 3.5 लाख, रिसर्च 2.5 लाख, क्वालिटी कंट्रोल 2 लाख, पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड सेलिंग एक्सपेंस है 2 रुपये, लीज रेंट 2 लाख, एडमिन का एक्सपेंस जनरल है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नीचे ऐड होगा 2.24, सेलिंग का खर्चा, फिनिश गुड्स ओपनिंग कुछ है नहीं, क्लोजिंग की 5000 यूनिट है। डिफेक्टिव प्रोडक्शन है बेटा 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन, मतलब 4000 होगी 1 लाख का 4%, 4000 हमारा टारगेट है 1 लाख। रियलाइजेज उसको बेच के हमें 61 रुपीज पर यूनिट मिल जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस को छोड़ने के अलावा COGS जो हमें दे रखा है वो 78.20। ऐसा एक सवाल ऊपर भी था जिसमें आपको COGS गिवन था और आपको उल्टा चलना था। डायरेक्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट आधी है रॉ मेटेरियल के मुकाबले, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड के मुकाबले, सेलिंग प्राइस 110 है, आपको पूरा उल्टा चलना है। तो अगर फॉर्मेट की बात करें, मैं तो सीधा फॉर्मेट पे आता हूं, देखो जी मैं सीधा आता हूं जी फॉर्मेट पे, ये हमारा फॉर्मेट है। रुको मैं आपको दिखाता हूं कि हमें कैसे शुरू करना चाहिए। आपका फॉर्मेट पे आओ जी सीधा। देखो जी ये हमारा फॉर्मेट है, अब हमें जो चीजें गिवन है पहले मैं वो डालना शुरू कर दूंगा। देखो मैं सबसे पहले COGS, ये हमारे को गिवन है, COGS गिवन है, मैंने सबसे पहले यहां पे COGS डाल दिया फॉर्मेट के अंदर। आप अगर फॉर्मेट बना रहे हैं तो COGS डाल दो, मैं जी लिख रहा हूं, जी मतलब गिवन है, ठीक है। उसके अलावा शुरू से शुरू करते हैं, देखो क्वेश्चन पे आते हैं, मैं एक एक करके देखता हूं, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ठीक है। ये कहां कहां पे जाएगा देखो, ये आ गया जी ओपनिंग रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल, इसके बीच में परचेजेस आता है टू कैलकुलेट कंज्यूम्ड, ठीक है, और ग्रॉस वर्क्स के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हमारा गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, ठीक है। मैं बस इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद कंज्यूमेबल्स, रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल, देखो जी कंज्यूमेबल्स, रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल, ये रहा रिसर्च, ये रहा कंज्यूमेबल्स। ऊपर आएगा सर क्यों, कंज्यूमेबल ऊपर क्यों आएगा, व्हाट इज कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है, जो माल को बनाते बनाते छोटी मोटी आइटम कंज्यूम हो जाती है, यूज हो जाती है, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। तो वो हमारे फैक्ट्री का खर्चा है माल को बनाते बनाते, मैंने क्या बोला कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज माल को बनाते बनाते बीच में छोटी मोटी चीजें बीच में ही कंज्यूम हो जाती है उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। तो इसीलिए वो ऊपर ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। नेक्स्ट उसके बाद पैकेजिंग, लीज रेंट 2 लाख है अभी पैकेजिंग पे नहीं है, और एडमिन जनरल है, सेलिंग 4-13 है। तो लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट है, एसेट है, एसेट का लीज रेंट है, ये भी ऊपर ऐड होगा, फैक्ट्री का खर्चा है क्योंकि एसेट है हमारी प्रोडक्शन की, जो प्रोडक्शन में यूज होती है वो एसेट है, तो फैक्ट्री में ही होगी ना प्रोडक्शन वाली एसेट। और उसके अलावा एडमिन का खर्चा ये रहा जनरल है तो नीचे ऐड होगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता तो ऊपर ऐड होता, और सेलिंग का खर्चा ये रहा 4,13,000। यहां तक कहानी क्लियर हो गई जी।
ये हमने सारे गिवन खर्चे डाल लिए, अब शुरू से चलते हैं। और इसके अलावा अपने को कुछ गिवन नहीं है, बस एक चीज है कि फिनिश गुड्स 5 लाख है, डिफेक्टिव 4% है और टारगेटेड प्रोडक्शन रियलाइजेस 61 रुपीज, जो हमारी खराब हो रही है वो 61 रुपीज जनरेट करेंगे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है ये 5,000 यूनिट है, बस ये गिवन है। ठीक है, अब शुरू से चलते हैं। देखो, अपने को ये तो अभी गिवन नहीं है कि परचेज हमने कितना किया, ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 52 लाख भी अपने को नहीं पता। डायरेक्ट एम्प्लॉय ये भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉय क्या बोला है, हाफ ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो जब तक आपको मटेरियल कंज्यूम नहीं पता लगेगा, आप डायरेक्ट लेबर भी नहीं निकाल सकते, प्राइम कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। सर, उल्टा कैसे चले? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कितनी यूनिट हमने बेची होंगी? सवाल सोचो, हमने कितनी यूनिट बेची होंगी? सर, 1 लाख हमारी टारगेटेड प्रोडक्शन थी, 4,000 सर उसमें से डिफेक्टिव हो गई, लिखा है 4%, तो माइनस कर दो, 96 हुआ। और 5,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो अभी भी नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये गिवन है आपको। तो इसका मतलब आपने बेची कितनी होंगी, 91,000 यूनिट आपने बेची होंगी, इंटू में 110 रुपये सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ गया। ये मैंने नंबर वन पे कैलकुलेट कर लिया सेलिंग प्राइस। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सर, हमारे को सेकेंडरी पैकिंग, ये जो सेकेंडरी पैकिंग आपको ऊपर दे रखी थी, 2 रुपए प्रति यूनिट सोल्ड, अब आपको पता लग गया मैंने कितनी यूनिट बेची है, 91,000 यूनिट आपने बेची है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 91,000 यूनिट इंटू में 2 रुपया, 91,000 आपने यूनिट बेची है इंटू में 2 रुपया, तो ये आपके सेकंड नंबर पे कैलकुलेट हो गया। अब आपको देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 78,26, और उसके नीचे की तीनों कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो गई हैं, तो प्लस करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, सेल्स आपको गिवन है तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। चले जी, आगे चले, अब उल्टा चलते रहो बस, अब क्या है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। देखो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक के लिए 5,000 यूनिट सर क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब तक हमारे पास ये नहीं आ जाता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाले? सर, जो हमारा स्क्रैप बिका है, बस ये माइनस कर दो ना। अभी देखो, स्क्रैप हमारा कितना बिका है, स्क्रैप स्क्रैप सर 4,000 यूनिट है, इंटू में 61 रुपीज, 4,000 यूनिट इंटू में 61 रुपीज, करो जरा मल्टीप्लाई, 4,000 इंटू में 61, 244 आ गया। ये भी आपका कैलकुलेट हो गया, लेकिन अभी आपका बीच में ये नहीं कैलकुलेट हुआ है, तो इसलिए आप पीछे जा नहीं सकते, क्लोजिंग स्टॉक नहीं कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता ना 82,56 कहां से आया, ये भी नहीं पता है 82,56 कहां से आया। तो अगर हम अब थोड़ा सा सीधा चले और थोड़ा सा उल्टा चले तो एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी जरा बताओ, इक्वेशन कैसे बनेगी जरा बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। सर, अगर हम ऊपर से चलें, देखो अब पूरी इक्वेशन बनाओ बेटा, पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ये भी नहीं पता आपको, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन ये दोनों गिवन है आपको, तो ये भी नहीं पता आपको, ये दोनों गिवन है, ये भी नहीं पता। अब ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, अब आपको दिमाग लगाना है, फिल इन दी ब्लैंक्स सर क्या क्या पता है जरा फॉर्मेट में लिख के बताओ। देखो, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो ओपनिंग है 242, प्लस परचेजेस मुझे नहीं पता, और क्लोजिंग है 292। ठीक, तो ये आ जाएगा कुछ भी एक्स वाई जेड, मान लो मेरी परचेजेस एक्स है, मान लो मेरी परचेजेस एक्स है, मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 242 माइनस 292, माइनस का 50,000, एक्स माइनस 50,000, ये मेरा रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, एक्स माइनस 50,000, माइनस 292 है ना, प्लस 240 है, 242 है, माइनस 292 है। डायरेक्ट लेबर बताओ जी कितनी आएगी, सर इसका आधा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस अपने पास है नहीं, तो ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया जरा बताओ, प्राइम कॉस्ट इनको टोटल कर लो। सर कैसे करेंगे, एक्स माइनस 50,000 प्लस 0.5x माइनस 25,000, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ को,
तो करो एक्स माइन एक्स प्लस 0.5, 1.5x इज इक्वल माइनस 75,000 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर जाके 75,000 प्लस हो जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करना है तो इसको आप एक काम करो, ये आपका क्या आएगा 1.5x माइनस 75,000। यहां तक आने क्लियर है? आगे चलते हैं। अब प्राइम कॉस्ट निकल गई, फैक्ट्री के ओवरहेड ये आपको गिवन है 3.5 लाख और 2 लाख, ये रहा 5.5 लाख आ गया, ये आपका आ गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, कितना आ गया 1.5x माइनस 5.5 लाख में से 75,000 माइनस कर दो, ये प्लस का है ना, ऊपर वाला माइनस का है, यहां पे प्लस है ना, ऊपर तो माइनस है। 5.5 लाख माइनस 75,000, ये आ गया 475। उसके बाद प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइनस, हाँ साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। अब प्लस ओपनिंग डब्ल्यू आई पी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ये आपको गिवन है, प्लस के 2 लाख माइनस के 5 लाख, तो ये माइनस के 3 लाख आ जाएंगे बाहर, इसको माइनस कर दो, 1.5x प्लस 175, ये क्या आ गया आपका नेटवर्क्स कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, प्लस बाकी ये खर्चे आपको गिवन है 2 लाख और ये भी गिवन हो गया, आप तो प्लस 2 प्लस 2.5 प्लस माइनस 244, 2 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 244, तो एग्जैक्टली बाहर जो आएगा क्वालिटी कंट्रोल प्लस रिसर्च माइनस जो आपका स्क्रैप बिका है, इसका करके बाहर जो आएगा वो आ जाएगा 2,06,000। मैंने तीनों को एक साथ कर दिया फॉर्मेट में से देख के, तो 2,06,000 प्लस 175, ये आपका आ गया 381, 1.5x प्लस 381, ये आपका आ गया क्या जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो कि 5,000 यूनिट है, ठीक है, वो हमें नहीं पता कितनी है। इसके बाद आपका आएगा COGS, ये आपको गिवन है कितना 4 लाख, सॉरी ये आपका निकल चुका है 78,26, ये आपका निकल चुका है 78,26। अब बताएं जी कैसे सॉल्व करोगे, यहां तक आप आ चुके हो तो दो इक्वेशन आपको बनानी चाहिए, एक उल्टी जाती हुई एक सीधी जाती हुई, और उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा तुमने कैसे किया, एग्जैक्टली अब इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया सर, ये जो COGS है ये कितनी यूनिट का है, सॉरी ये कितनी यूनिट का है, 91,000 यूनिट का। सर कैसे, 1 लाख यूनिट थी आपके पास, 1 लाख में से 4,000 तो आपकी खत्म हो गई, बची कितनी 96 में से अगर 5,000 बची हुई है तो ये बिकी कितनी होगी 91 की ये कॉस्ट है। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो 78,26 डिवाइड बाय इट इज कॉस्ट ऑफ 91,000 यूनिट्स इनटू में 5,000, ये भी कर सकते हो आप, कितना आएगा, बस ये माइनस का है। अब एक और इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर लो, 1.5x प्लस 381 माइनस 430 इज इक्वल टू 78,26, बस इसको सॉल्व कर लो, अब 381 बात वही है, वही वैसा भी कर सकते हो आप, वैसा भी कर सकते हो, आपको एक्स लेने की जरूरत नहीं, फिर वो उल्टा चलना पड़ेगा पूरा, इससे डायरेक्टली एक्स आपका यहां निकल आएगा, 381 माइनस 430, 49,000 आ गया माइनस का, वो इधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ का माइनस का आ गया उधर जाके प्लस हो जाएगा 78,26, 78,75 डिवाइड बाय 1.5, एग्जैक्टली आपकी एक्स की वैल्यू यहीं पे निकल जाएगी 52,50,000। तो बस ये आपको निकालना था पूरा, अब इसकी फेयर फॉर्मेट बना के आप इसकी कॉस्ट शीट बना सकते हैं। चले जी पॉइंट क्लियर हो गया सबको। मेन मुद्दा बस आपका ये सोचने वाला था
ये जो सीओजीएस आपका बहुत पहले ही निकल गया था, ये 91,000 यूनिट का है, क्योंकि 1 लाख आपने शुरू की थी, 4,000 स्क्रैप हो गया, 5,000 क्लोजिंग है, तो ये 91 का, इसको 91 से डिवाइड करके इंटू में 5,000 की कॉस्ट निकालते तो आपका ये आ जाता, उससे ये आ जाता, फिर आप उल्टा चलते रहते तो आपके सारे आंसर निकल के आ सकते थे, ऐसा भी आप कर सकते थे, ऐसा भी आप कर सकते थे। आओ जी अब हम देखेंगे एग्जाम के सवाल, खैर एग्जाम के ही थे ये भी, पर अब हम देखेंगे जुलाई 21 और उसके बाद दिसंबर, पिछले 3 एग्जाम हम लोग देखेंगे। ये है जी नवंबर 20 का एग्जाम, सॉरी ये जैन 21 का है, इसके बाद मैं आपको नवंबर 20 का भी दिखाऊंगा। ढूंढो 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 कहाँ गया फ्री के नंबर, ये रहे जी, ये आपका नवंबर 20 का, सॉरी जनवरी 21 का कॉस्ट शीट का एग्जाम का सवाल, ये आईसीए का एग्जाम है, मैंने नहीं बनाया है, हमने सारे सवाल करने के बाद अब अब आप ये देखो कि क्या आप ये सवाल को कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देखो 10 नंबर का सवाल है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, वही वाला सवाल है ये, बिल्कुल मुफ्त फ्री के नंबर है बिल्कुल। देखो जी डायरेक्ट लेबर आपको दे रखे 1:20, जो कि 1:120% है, अभी आपने ऐसे सवाल किया था जो 1:75% था, एक सवाल में किया था जो मैंने होमवर्क दिया था, दैट वॉज 1:75% ऑफ समथिंग, और एग्जैक्टली एक सेम भी है, देखो नीचे देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग आपको रॉ मटेरियल WIP और फिनिश गुड्स भी गिवन है, सेलिंग और जनरल, बताओ कुछ गिवन ही नहीं है डिटेल, नीचे क्या क्या बोल रहा है, प्राइम कॉस्ट निकालो, ये निकालो ये निकालो ये निकालो, होमवर्क लो 10 नंबर फ्री के पाओ, होमवर्क में कर सकते हैं बेटा आप, ये बिल्कुल ईजी सवाल है 10 नंबर का, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, करना है तो मेरे साथ साथ फटाफट निपटा लो, आओ जरा फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, निपटा लो इसको बेटा निपटा लो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर गिवन है कितनी 1,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं, ठीक है तो डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग गिवन है बेटा 20,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज 25,000, अभी परचेज देखते हैं कितनी आएगी, उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये काय जो लेबर है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 1:20% है, यानी ये कितने होंगे 1 लाख, इसके लेबर के बारे में कहा था, लेबर के बारे में क्या कहा था, दिस इज 1:20% ऑफ व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख होगा तभी उसका 1:20% है ये। उसके बाद चलो जी आगे, ये आ गया क्या आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, वो आपको गिवन है जी, कहां गया, ये रहा जी, बहुत इजी सवाल है बेटा, ठीक है ये आपका आ गया क्या जी नेटवर्क्स कॉस्ट, इसमें आप क्या जोड़ोगे, एडमिन के खर्चे तो नीचे जोड़ोगे, जनरल है रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते तो मैं यहां जोड़ देता, कुछ नहीं जोड़ना, ये आप खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आपका आ गया सीओजीएस, सीओजीएस में आप सेलिंग के खर्चे जोड़ोगे और जनरल एडमिन जोड़ोगे, ये आपका आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, अब चलो जरा सेल्स गिवन है आपको 5 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है 4 लाख, ये रहा तो प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख रुपए का, इससे घटिया सवाल हो नहीं सकता, सेलिंग के खर्चे 22,000, एडमिन के खर्चे 18,000, माइनस कर लो 22 और 18 होते हैं 40, 4 लाख में से 40 उल्टे चलो माइनस करो 360, 360 प्लस 40 इस 4 लाख, अभी और उल्टा चलो, ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स गिवन है 50,000 और, तो प्लस के 50 माइनस के 60 उल्टा, इसमें उल्टा हो जाएंगे ना, 360 में 360 में प्लस 50 माइनस 60, 10,000 माइनस ही होने ऊपर से आए तो ये 370 होगा, 370 में नेटवर्क कॉस्ट भी 370 आ जाएगा, उल्टा चलो प्लस के 20 है माइनस के 10 है तो ये 380 होगा, करके देख लो जी, उल्टा चल रहा हूं सब कुछ गिवन है, ये 380 हो जाएगा, 380 में 1 लाख, ये हो जाएगा कितना 280 प्लस 120, तो ये गिवन ही है, 280 में 120 माइनस करो
20 गए तो 60, 160, ठीक। और 160 में अब ये परचेजेस कितना निकल के आ जाएगा सर, प्लस के 20 है, माइनस के 25, माइनस 5,000 है तो 165 होगा। तभी प्लस के 20 माइनस के 25 जाके 160 आ जाएगा। इससे घटिया सवाल आ नहीं सकता, 10 नंबर का सवाल है। लोग कहते हैं पेपर मुश्किल आता है, सीए मुश्किल है। अभी और दिखाते हैं, रुको अभी ऐसे बात नहीं बनेगी। ये तो था जनवरी 21 का, अभी आपको दिखाऊंगा मैं किसका, नवंबर 20 का। रुको जी रुको, नवंबर 20, जनवरी 21। हाँ सब यही कहते हैं, बहुत टफ दुनिया कहती है भैया, दुनिया का काम है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो हर चीज टफ लगेगी। बकवास, सब बकवास है। ये रहा नवंबर 20 का सवाल। ढूंढो जी ढूंढो, कॉस्ट शीट 10 नंबर, फ्री के नंबर कहाँ गए। आ, 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 ये तो नहीं है। ऊपर एक सवाल निकल गया लेकिन उसे हम कॉस्ट शीट नहीं कह सकते, वो अभी आप आगे जाके सीखोगे, यूनिट कॉस्टिंग है, लेकिन उसका बेस कॉस्ट शीट ही है, उसका बेस कॉस्ट शीट ही है। उसका बेस कॉस्ट शीट ही है। ये रहा, हम मैन्युफैक्चर करते हैं दो टाइप के पेन, सुपर पेन और नॉर्मल पेन। कॉस्ट डेटा दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन के ओवरहेड, फैक्ट्री के ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सुपर पेन की ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मल पेन। डायरेक्ट वेजेस नॉर्मल पेन की 60% ऑफ दो सुपर पेन। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम रेट है दोनों का। एडमिन के खर्चे 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसमें दो कॉलम बनेंगे आपके, नॉर्मल पेन का अलग, सुपर पेन का अलग। सेलिंग कॉस्ट 1 रुपया, प्रोडक्शन एंड सेल्स इतना बनाए हैं हमने सुपर पेन नॉर्मल पेन, और इसकी सेल इतनी हुई है। सेलिंग प्राइस 30 रुपये है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन की कॉस्ट शीट निकालनी है आपको। कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट टोटल प्रॉफिट। अच्छा लेवल का सवाल है, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें जो गिवन है वो कॉस्ट शीट में डालोगे तो आपसे एक बार में हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको आज इसको करना चाहिए क्लास में, मतलब घर पे बैठ के आराम से करना चाहिए। सवाल नंबर है 2 का ए पार्ट, नवंबर 20 का सवाल है जी। करो एक बार ट्राई करो, नहीं होता तो मुझसे डाउट पूछो। उसके बाद जुलाई 21, नवंबर 20 हो गया, जनवरी 21 हो गया, जुलाई 21 देखेंगे जी। लो जी ये आपका कॉस्ट शीट बनानी है, बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है, लंबा है लेकिन आसान है। देखो 10 नंबर का सवाल है कॉस्ट शीट का। ये आपको मैन्युफैक्चरिंग एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसका डेटा गिवन है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, हायर चार्जेस, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग, कैरेज ऑन रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जाइए, एक्सपेंसिस फॉर पार्टिसिपेशन, लीगल चार्जेस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ऐसा हमारी बुक में शायद 15वां या 14 सवाल है, जो लेंदी सवाल है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जिसमें सारे खर्चे आए हुए हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, वेयर हाउसिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टोर ओवरहेड, यानी ऑफिस के ओवरहेड्स आपको दे रखे 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री के ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 10% आउटपुट हमने रिजेक्ट कर दी, 5,000 हमें रियलाइज हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है, फिनिश प्रोडक्ट 10% डिफेक्टिव था और डिफेक्टिव को हमने रेक्टिफाई किया, अलग खर्चे भाई हमारा खर्चा है जिसमें वेजेस लगी है 20%, टोटल आउटपुट 8,000 यूनिट की है। आपको कॉस्ट शीट बनानी है, अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, और इसीलिए आपको ये सारे एग्जाम के सवाल दिखाए जाते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एक भ्रम भी पैदा ना हो और एक क्लैरिटी रहे कि किस तरीके का एग्जाम में सवाल आता है। वैसे तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक लंबा सा सवाल था हमारे पास, एक तो 21 है जो लंबा सा सवाल है, एक 20 भी है, 21 भी है, और एक और था इसमें।
नहीं एक और था, चलो मैं बता देखता हूँ, एक एक और सवाल था। वैसे ये 17 थी लगभग, जो इसके सारे पॉइंट कवर करेगा आपके, ऑलमोस्ट मतलब 17, 21 और उसको मिलाओगे तो इसके सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। तो अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन आपको करना चाहिए जुलाई 21 का। हाँ ये हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब हम एक बार और, लास्ट, दिसंबर 21 इज द लास्ट एग्जाम। ये और देखेंगे हम लोग। आओ जी मेरे साथ साथ देखो जरा। क्लास में इसीलिए हम लोग आपको सारे सवाल दिखा देते हैं एग्जाम के लेटेस्ट, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाए और ये सारे सवाल आप कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम में कुछ नया नहीं मिलेगा। सेकंड का ए पार्ट आता है ज्यादातर। लो जी, अब मत, मुझे मत कहना, बिल्कुल मत कहना। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम नालायक हो एक नंबर के। ये मैंने क्लास में कराया सवाल, लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लोथ्स मेन इनपुट है। एक बैग में 2 मीटर कपड़ा लगता है लेदर शीट और 1 मीटर लगता है कॉटन क्लोथ। 2000 मीटर हमने लिया, लेदर बैग वाला सवाल है जो मैंने क्लास में कराया है, बिल्कुल डिट्टो से। अब देखो, अब समझो मेरी बात को। इस बार जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, मतलब उनका ये कहना था कि सर 60 मार्क्स का पेपर, 60 to 70 मार्क्स का पेपर बुक में से सेम नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे बुक में से छिपा हुआ है। छिपा हुआ का मतलब ये होता है एग्जैक्ट फिगर्स भी सेम है। 10 नंबर का मैंने आपको दिखा दिया, लो बाई चांस सामने ही खुल गया। सवाल नंबर 19, लेदर बैग स्कूल पर्पस 2000 मीटर, 1000 मीटर कॉटन का, और ये हमने पूरा क्लास में डिस्कस किया है। एग्जैक्ट डिट्टो सेम सवाल है, मतलब आप फिगर्स भी देख सकते हो। अब आप सोचो एक बात को, जिसने हमसे पढ़ा होगा दिसंबर में एग्जाम दिया है, अब हमें तो नहीं पता था, ये तो आरटीपी नवंबर 19 का सवाल है, हमने तो उसको आरटीपी का समझ के कराया था, लेकिन एग्जाम में आ गया। तो मेरा बस पॉइंट आपसे यही है कि जो आपको हम लोग सवाल दे रहे हैं बुक के अंदर, अच्छे से उसको घोट के पी जाओ। अदरवाइज जो मुझे पता है कि मैं आपको इसके अलावा क्या करा रहा हूँ, पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर और कवर कर रहा हूँ। 4 अटेम्प्ट मतलब 2 अटेम्प्ट, नवंबर 20 और जनवरी 21, उसके बाद दिसंबर का भी आ गया। वो हम लोग क्लास में एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाई चांस 1% भी अगर कोई नई चीज हो तो वो चैप्टर वाइज हमारे सामने आ जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब आईसीआई 1000 टाइप के हमने सवाल किए क्लास के अंदर, वहां पे 1000 एक नई टाइप कोई निकाल दे पहली बार तो बात अलग है। लेकिन अब उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, एग्जामिनर का मतलब क्या मेंटालिटी से वो पेपर बना रहा है हमें नहीं पता ऑलमोस्ट। तो आप ये समझ के चलो कि क्लास में जो हो रहा है इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप ये देख लो ना, 19 सवाल हमने पूरा एज इट इज क्लास में किया, और ये दिसंबर, मैंने तो नहीं देखा था दिसंबर में, और ये बुक पहले की बनी हुई है, कोई मैंने पेपर देख के तो बनाई नहीं है, पेपर तो बाद में आया है। ये देख लो, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल लिटरली बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, और आपके 10 नंबर का सवाल है। और अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, लोग बोलते हैं सीए मुश्किल है, मैं गारंटी से आज भी ये बात कह सकता हूं, कम से कम 80 से 90 नंबर का पेपर 100 में से आपको मैं ऐसा दिखा दूंगा हर पेपर में जो डिट्टो सेम होगा, जो बुक के अंदर होगा पैटर्न, मतलब सवाल का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम होगी। 10 से 20 नंबर का भी पेपर अगर ट्रिकी ना आए तो काय बात की सी है, फिर तो बीकॉम हो गई कि सारा बुक में से कर लो एज इट इज, क्वेश्चन रट के चले जाओ पास हो जाओगे। अगर 10 से 20 नंबर का भी पेपर में ना आए ट्रिकी, तो फिर तो सीए करने का कोई मोटिव ही नहीं रहा। दुनिया कहती इतना मुश्किल कोर्स है, काय बात का मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी समझो कि 80 से 90 नंबर का पेपर ऐसा आता है जो बिल्कुल सेम होता है। मैं आपको चैप्टर वाइज दिखा दूंगा, देखो पेपर तो मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किया है और बुक आपके सामने पहले की मेरी ऑलरेडी सब कुछ यहां पे डली हुई है, मैं तो कोई इसमें वो नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको सारे सवाल दिखा सकता हूं, मतलब मेरे को तो पता है। खैर ये रहा लेबर का सवाल है, गारंटीड वेज रेट रोवन, और ये प्रोसेस का सवाल है, मैं आपको डिट्टो सेम दिखा सकता हूं। मतलब मुझे टचवुड, अच्छी बात है अभी, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मुझे उम्मीद है इस बार जो कॉस्टिंग का रिजल्ट आने वाला है
बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक था आफ्टर एग्जाम, बहुत अच्छा। लेट्स सी अब रिजल्ट कैसा आता है, मेरी किस्मत अच्छी है तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब तुम्हारी तो है ही है, मेरी अच्छी होनी चाहिए ना तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और बहुत अच्छी उम्मीद है मुझे इस बार कॉस्टिंग के पेपर से स्पेशली, बहुत उम्मीद है क्योंकि इस बार बहुत पेपर ऐसा आया था कि बिल्कुल क्लास में जो कॉपी में हमने किए हुए सवाल, मैं भी आपको ये सेम सवाल दिखा सकता हूँ, मतलब आपको वैसे देख के समझ जाओगे। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सवाल है, दो मटेरियल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, और पढ़ लो क्वेश्चन देखो कैसा सा गिवन है। अभी आपको नॉलेज नहीं है जबकि आपने मटेरियल नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कॉपी रही और ये रही मेरी कॉपी मटेरियल कॉस्ट। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग सबसे पहले कराते हैं, ये रहा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इसका एग्जाम्पल ये देखो, मेरे क्लास का एग्जाम्पल है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आपको आईटीआर निकालना था। और अगला सवाल देखो मेरे एग्जाम्पल में क्या है, कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड या यूज्ड, और क्वेश्चन पेपर में देख लो अगला एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा, आईटीआर पूछा और नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। अब मतलब अब अगर इतना कराने के बावजूद अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हो रहा और आप कह रहे हो सीए मुश्किल है, तो आप समझो कहाँ कमी है, आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करो कहाँ कमी रही। ऑब्वियसली रिविजन्स में कमी रही, मैं गारंटी से कह सकता हूं। वो तो है ही है, आपका एग्जाम में बैठे हो, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर लेके बैठे हो, सीए मुश्किल है, कहीं हम फेल ना हो जाएं, वो जो नर्वसनेस और प्रेशर है ना उसमें आप गलतियां करते हो, उसमें गलतियां करते हो। वरना पेपर मैं आपको कहता हूं, अभी तो मैंने आपको बिना पढ़ाए पेपर दिखा दिया, मैं आपको ये सारे सवाल दिखा सकता हूं, डिट्टो सेम सवाल, डिट्टो सेम, मैं आपको ये सारे सवाल अपनी कॉपी में बुक में कहीं ना कहीं दिखा सकता हूं, पूरे 100 नंबर का सवाल दिखा सकता हूं, पूरे 100 नंबर का पेपर। और यही उम्मीद मुझे आपसे भी है। प्रगति के लिए सर आप स्कैनर बना के भेज दोगे, स्कैनर की जरूरत नहीं है प्रगति, आपको आपके हर चैप्टर के अंदर सवाल डले हुए हैं, आरटीपी एमटीपी पास अटेम्प्ट आपके हर चैप्टर के अंदर डले हुए हैं, और जो नहीं डले हुए लेटेस्ट, क्योंकि आपकी बुक्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी हैं, जो नहीं डले हैं लेटेस्ट उसकी सप्लीमेंट्री मैं आपको दूंगा। आप टेंशन मत लो, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे होती है, ये सब तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, लेकिन चैप्टर वाइज आपके सारे सवाल बुक में डले हुए हैं, और जो नहीं डले हुए हैं ऑब्वियसली क्योंकि बुक प्रिंट हमें पहले करानी पड़ती है, उसमें 1 महीने का टाइम लगता है, बुक प्रिंटिंग में बुक बनती है, प्रिंटिंग में जाती है, अभी पेपर उसके बाद हुआ है हमें, अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर आपको बुक्स डिलीवर करनी है ऑल ओवर इंडिया तो हमें दिसंबर से पहले प्रिंट करा के रखनी पड़ती है, दिसंबर का पेपर उसके बाद हुआ, आरटीपी उसके बाद आएगी, मई की आरटीपी अब आएगी, आपका पेपर तो नवंबर में है, मई अटेम्प्ट जो होगा 2022 का उसकी आरटीपी अप्रैल में आएगी, तब हम कैसे छाप सकते हैं उसको, अपनी बुक में छाप ही नहीं सकते हम लोग, तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्री हम आपको देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है कि जो बच्चे का आपके अटेम्प्ट तक लास्ट में क्या आएगा, आप नवंबर 22 में एग्जाम दोगे, आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर आएगा लास्ट में जो हम बुक में नहीं छाप सकते, और एक आपके लिए आपकी आरटीपी आएगी नवंबर 22 की जो हम बुक में नहीं छाप पाएंगे, तो लास्ट मोमेंट पर मैं आपको वो भी कराऊंगा, मॉडल टेस्ट पेपर टेस्ट के रूप में लूंगा, पहले ही बता रहा हूं वो टेस्ट के रूप में लूंगा, फुल सिलेबस का टेस्ट वो करके चले जाना, और दूसरा जो आरटीपी आएगी उसके डिस्कशन में क्लास में कर दूंगा, बस वो दो चीजें हैं जो हम बच्चे को नहीं करा पाते ड्यूरिंग द कोर्स, वो आती नहीं है तो मैं कहां से कराऊंगा, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं आता। अगर मई 22 तक की चीजें हमने आपको क्लास में करा दी हैं तो नवंबर 22 में कोई अनोखा पार्ट नहीं आ जाएगा सामने की, कुछ ऐसा आगा जो हमने किया ही नहीं, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, एक आधा कोई सवाल अगर अलग हुआ तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारी आंखों से आगे से निकल जाए एग्जाम में जाने से पहले, बस इतना सा फंडा होता, और कोई फंडा नहीं है। हम आपको सप्लीमेंट्री देंगे, जो बुक में प्रिंट होने से पहले की चीजें अलग है, बुक में प्रिंट होने के बाद जो चीजें आई हैं उसकी हम आपको सप्लीमेंट्री देंगे, बहुत सारी चीजें, टेंशन मत लो। बस मैं ये कहूंगा जो मैं कह रहा हूं कि यहां से ये करना है, यहां से ये करना है, बस चुपचाप वो करते रहो और उसको अच्छे से करो, शिद्दत से करो, पक्का पास हो जाओगे। पास होने की खैर मुझे ज्यादा टेंशन है नहीं, 60 नंबर कोई भी ला सकता है अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस, जब 80 प्लस 90 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो जाके 60-70 पे अटकोगे, समझो बात को। आपका टारगेट ये होना चाहिए, मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं ना, मेरे को सारा करना है और 2-3 बार रिवाइज करना है, पेपर मुझे पूरा आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए एक भी सवाल, मुझे पूरा 100 नंबर का पेपर आना चाहिए और मैं पूरा टाइम पर अटेम्प्ट करके आऊंगा या आऊंगी व्हाटएवर, और यू कैन इजीली स्कोर 90 प्लस। मतलब देखो बीइंग अ रैंक होल्डर मेरी सोच 50-60 की है ही नहीं,
आप रैंक की सोच क्यों नहीं रखते, मतलब सोच में बहुत अंतर हो जाता है ना, आपकी सोच ही रैंक वाली होनी चाहिए कि क्यों नहीं आ सकती मेरी रैंक, समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो कि मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, पास तो यार हो ही जाओगे। अब आप ये समझो, पास होने के लिए अगर देखा जाए तो मात्र 50 नंबर चाहिए, मात्र 50 नंबर, 100 में से 50। सीए करने आए हो, 100 में से 50 की भी उम्मीद अगर नहीं है तुम्हें तो क्या फायदा उस चीज का। 50 नंबर तो मतलब आंखें बंद करके भी पेपर करोगे ना मेरे से पढ़ने के बाद, सारा सवाल अटेम्प्ट करके आना, आधा तो हर सवाल ठीक होगा, स्टेप मार्किंग होती है। देखो मैं आप सब बच्चों को एक ही चीज बड़े पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए क्या बोलता हूं कि अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो, कम से कम 60-70 नंबर का पेपर तो ऐसा होगा जो आपको आता ही होगा, मिनिमम, कम से कम कम से कम 60 नंबर का पेपर अगर आपको आता है तो उसमें से मैं उम्मीद लगाऊंगा पास तो आप उसी में से हो जाओगे, 60 में से 60 नहीं है, 50 तो आ गए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपको आता है, कंफर्म 100% आता है, जो आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो उसमें 60 में से 60 नहीं, 50 तो आ जाएंगे, उसमें क्या होगा, पास तो आप वहीं हो गए। बाकी 40 नंबर का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक हो, ऐसा नहीं है, एक आधे पॉइंट में अटक गए किसी सवाल में, ऐसा नहीं होगा, पूरा सवाल ही मुश्किल बनता है, सवाल जो मुश्किल कहलाता है उसमें 10 अगर पॉइंट है, 10 नंबर का है, तो 2 या 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहां बच्चे अटक जाते हैं, 6-7 पॉइंट सबको आते होते हैं, फैक्ट ऑफ लाइफ है ये। तो अगर आप बाकी सवालों में अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो उस 40 में से भी आप 20 नंबर लेके आ सकते हो, 60 में से 50, 40 में से 20, 70 नंबर हर बच्चा लेके आ सकता है, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई, आई एम देयर टू गाइड यू, क्या कि सर पहले तो मुझे वो 60 नंबर का पेपर बताओ जो इजी है और एग्जाम में कंफर्म आता है, पहले तो मैं वो पक्के करूं। तो मैं आपको हर, जैसे कॉस्ट शीट है, 10 नंबर का एग्जाम में आना ही आना और सेकंड का ए पार्ट ही आना है, समझो बात को। तो कॉस्ट शीट के सर गिने चुने 25 तो सवाल थे, उसके अलावा 4 सवाल मैंने आपको और दिखाए हैं, इनकी 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो तुम्हें रट जाएगा, हो गए 10 नंबर पक्के। ऐसे 6 सवाल हैं, सिर्फ मात्र 6 सवाल, दुनिया कहते सीए मुश्किल है, मैं ऐसे गिनती के आपको 6 चैप्टर आपके दिमाग में डाल दूंगा जो कंफर्म आते हैं, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ये सब आपके प्ले पेपर में आने ही आने हैं। और जो सवाल मैंने आपको क्लास में करा दिया, आपने उसको अच्छे से कर लिया, 60 नंबर तो कोई भी लेके आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी 40 भी पूरे आ सकते हैं। मैं तो ये आपको स्ट्रेटजी बता रहा था उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में हुआ है कि हम पास नहीं होंगे, ये उनके लिए था, बाकी 40 भी मैं आपको बता दूंगा, ये यहां से ऐसा ऐसा कर जाओ, एक दिन पहले समरी पढ़ जाओ, सप्लीमेंट्री के सारे सवाल कर जाओ, और जो लास्ट में आपकी आरटीपी आएगी और एमटीपी आएगी आपके लिए, वो एक बार देख के जरूर जानिए, वो मैं, मेरा काम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मॉडल टेस्ट पेपर पहले ही बता रहा हूँ, एमटीपी फुल सिलेबस का आपका टेस्ट लूंगा लास्ट में, फुल सिलेबस का, आपको खुद नहीं खोलना आईसीए की वेबसाइट, मैं हूं ना आपके लिए, आपने मुझे फीस दी है, मैं आपका लास्ट में जब फुल सिलेबस का टेस्ट होगा वो एमटीपी 100 नंबर की होती है प्रॉपर, की एग्जाम कैसा आने वाला है, वो आप टेस्ट में दे देना, मुझे क्या दिक्कत है, वो एज इट इज पूरा 100 नंबर का 3 घंटे बैठ के तसल्ली से प्रॉपर टेस्ट वाले माहौल में वो टेस्ट दे देना, आरटीपी के डिस्कशन की क्लास में यूट्यूब पे डाल दूंगा अगर कुछ अलग हुआ तो, बस खत्म मैटर, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो सर ने दे दिया मटेरियल या जो सर कह रहे हैं पढ़ लो तो शायद उनकी रैंक आई है तो हमारी भी आ जाएगी, और रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सब मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं फिर भी 84% वाला बच्चा हूँ क्लास 12th में, तुम 85-90 वाले भी हो सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो 90-92-95-96% वाले बच्चे बैठे हैं, मैं 84 वाला हूँ, तुम सोचो अभी मेरी रैंक अगर 10th आई थी इंटर में तुम्हारी तो फर्स्ट आराम से आ सकती है, लेकिन 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 द बैक ऑफ द माइंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो लेके चलना अपने साथ, और आप अपने दिमाग में ये लेके चलो कि मुझे 3 बार मिनिमम पूरा सिलेबस का एक एक सवाल रिवाइज करना है, क्लास में जो हम कर रहे हैं रिविजन नहीं है, आप घर जाके सेम डे पढ़ो जो हमने क्लास में पढ़ा है, सेम डे पढ़ने के बाद जब टेस्ट होगा तब उसको रिवाइज करो, टेस्ट का पर्पज ही क्या है, फर्स्ट रिविजन आफ्टर वी हैव डन फर्स्ट टाइम, पहली बार करने के बाद फर्स्ट रिविजन कब होती है, आपकी टेस्ट में होती है, उसके बाद जब हम फुल सिलेबस की आपके साथ रिविजन करेंगे आपकी सेकंड रिविजन तब होगी, और थर्ड रिविजन आपको सेल्फ स्टडी में करनी है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा हम आपको टाइम देंगे रिविजन करो, फोर्थ रिविजन जब आप फुल सिलेबस का मुझे टेस्ट दोगे उससे पहले भी रिवाइज करके आओगे सारा, ये आपको करना है, 4 से 5 बार पेपर में रिविजन करके चले जाओ, कन्फर्म नैया पार है और रैंक भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब जो आप ये सोचो ना जो पहले 50 बच्चे कोई वो एलियन तो है नहीं, पहली बात ना उनके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा है, सर फिर उनके पास ऐसा क्या है, सिर्फ एक चीज है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये 4 शब्द अपने दिमाग में लेके आओ, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, और डेडिकेशन से पढ़ना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है, और सबसे मेन वर्ड कंसिस्टेंटली,
बीकॉम नहीं है कि लास्ट के 2 हफ्ते पढ़ लिया, 2 महीने पढ़ लिया, रैंक आ जाएगी। जब से आपका बैच शुरू हुआ है तब से लेके जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, कंसिस्टेंटली यू हैव टू प्लान योर थिंग्स कि मुझे दिन में इतना पढ़ना है, एंड वर्क ऑन योर प्लान। ये हमारे टीचर हमें बोलते थे, प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर प्लान। पहले अपने वर्क को प्लान करो कि मुझे यहां तक जाना है, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तभी मैं वहां तक पहुंचूंगा। प्लान अच्छा होना चाहिए और फिर उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। अब मेरा ये प्लान बन गया है, मुझे पता लग गया मुझे ये स्टेप्स लेने हैं टू रीच देयर। अब वो स्टेप्स अगर आप नहीं ले रहे हो, आपको पता भी है कि मुझे ये स्टेप लेने हैं, फिर भी अगर नहीं ले रहे हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। तो आपको अपने वर्क को पहले प्लान करो कि अगर मुझे आपका रैंक का एम है कि मुझे रैंक लेके आनी है, मैं बता रहा हूँ 5 बार रिविजन करनी पड़ेगी, तो लिखो ना, बनाओ अपना प्लान कि यार 5 बार रिविजन ऐसे होगी, और उस प्लान पे वर्क करो। प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर प्लान, क्यों नहीं होगा। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 9 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ना। अभी आपकी जो इंटर की क्लासेस शुरू होंगी फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, रिजल्ट मेरे ख्याल से फेब के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 के बीच में आपकी क्लास शुरू होगी, 10 to 15 फरवरी के बीच में। अब देखो, आपसे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, आपसे ज्यादा मेरे दिमाग चलता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखो, आपकी इंटर की क्लासेस सारी प्लान है कि नवंबर 22 में टैक्स में 200 घंटे अपने को चाहिए, 2 घंटे ही क्लास होगी, 100 क्लास चाहिए, 4 महीने से 4.5 महीने आपके लगेंगे, कॉस्टिंग में 150 घंटे, लॉ में 150 घंटे, अकाउंट में 150 घंटे, ये हमें चाहिए। ये हम लोग आपका प्लान करके चले कि जिसका बच्चे का नवंबर में अटेम्प्ट है, कब से हमें बैच शुरू करना है, 15 फरवरी से आपका बैच शुरू करने वाले। ये हम अपनी प्लानिंग में आपको बता रहा हूँ कि हम जो आपके लिए करके चलते हैं, कि हमें ही पता है यार अगर बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, उसकी रैंक लानी है, टैक्स में उसको 200 घंटे देने पड़ेंगे। टीचर आपको 200 घंटे के लिए अपनी प्लानिंग करके चल रहा है, लेकिन आपको भी तो पढ़ना है। आपकी दिन में 2-2 घंटे की 4 क्लास होने वाली है, मैं आपको पहले बता दूं, दिन में 2-2 घंटे की आपकी 4 क्लास होंगी। शेड्यूल आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है, मतलब मैं बहुत प्लान करने वालों में से हूं, मैं बिल्कुल एक एक चीज अपनी प्लान करके चलता हूं, दिखा दूंगा अभी आपको, मेरे को मिलेगा तो दिखाऊंगा। मेरी ये सारी चीजें मैं अपनी जनवरी फरवरी सारी चीजें प्लान करके चलता हूँ, देखता हूँ, शायद यही है, हाँ यही है, यही है, यही है। लेकिन इसमें टाइम हल्का सा चेंज है, आपका क्लास टैक्स की होगी सुबह, उसके बाद आपकी लॉ होगी 11 से 1, उसके बाद 1:30 से 3:30 आपकी कॉस्टिंग होगी, और 4 से 6 आपकी अकाउंट्स होगी, और अकाउंट्स वाले सर आपकी ये क्लास हो सकता है 6:15 से 6:30 तक भी ले जाए। उनको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उनको पढ़ाने में उनको पता नहीं लगती क्लास है क्या है, वो बस पढ़ाते चले जाते हैं और बहुत अच्छा मज़ा आता है उनके साथ पढ़ने में। आपको भी मज़ा आएगा, मतलब आप कहोगे, थकोगे नहीं, आप कहोगे कि हमें और पढ़ाओ। तो ये चीज़ है, आपकी 8 घंटे ही क्लास है। अब बच्चा क्या करता है ना, 8 घंटे क्लास लेने के बाद थक गया, नहीं पढ़ रहा, भाई करना तो मेहनत तो पड़ेगी। अब CA कोर्स, आप घर जाओ, घर जाके खाना खाओ, 1-2 घंटे रिलैक्स करो, और एटलीस्ट जो दिन में आपने 8 घंटे नई चीजें अपने दिमाग में डाली हैं, कल 8 घंटे की और नई चीज आपके दिमाग में डलेगी, रोज डलेंगी, उसको पकड़ के कैसे रखोगे। रोज रात को जो क्लास में पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने जब कोचिंग ली थी, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मैंने जब कोचिंग ली थी, मुझे आज तक एक दिन याद नहीं है। मैं अपनी रिश्तेदारी में बहुत बदनाम हूं। किस लिए बदनाम हूं भाई, ये कहीं आता जाता नहीं है। अगर मैं कहीं आऊंगा जाऊंगा ना, तो वही रिश्तेदार बाद में मुझे बदनाम करेंगे, CA कर रहा था, इससे हुई नहीं, बेवकूफ है, इससे होनी तो थी नहीं, हमें पता था इतना मुश्किल कोर्स है, इसके बस की नहीं है। आज वो मुझे क्या बोलते हैं, कहीं आता जाता नहीं, बट दे सी अप टू मी। अपने बच्चों को बोलते हैं, देखो इससे सीखो, CA बन गया एक बार में रैंक के साथ, अभी इतना अच्छा से काम कर रहा है, ये सब कर रहा है। ये आप समझो, आप, मैं अपनी रिश्तेदारी में बहुत बदनाम था कि मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, कोई शादी नहीं, कोई भाई शादी तुम्हारी है, मेरा ब्याह हो जाएगा पेपर में, अगर मेरे को दिक्कत होगी तो। सीधी बात है भाई, शादी में नहीं आया तो क्या हो गया, क्या आफत आ गई, सच में ना। और अगर मुझे 103, 102, 101 बुखार है, मैं भाई दवाई खा लूंगा, लेकिन क्लास मिस नहीं कर सकता। अगर उसी क्लास का पेपर में 20 नंबर का आ गया तो रैंक तो गई गई, पे फेल होने के लाले पड़ जाएंगे। दवाई खा के क्लास में बैठ जाता था, ठीक है ठीक हो जाऊंगा, संडे अपना दवाई खा के पूरे दिन सो गया, मैनेज करो। लोग कहते हैं सर मैं बीमार था, बुखार था, इसलिए क्लास अटेंड नहीं करी। ये सब ना बहाने हैं अनसक्सेसफुल लोगों के। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो कभी बहाने नहीं मारते, दे हैव सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, दे डोंट हैव ओनली प्रॉब्लम। अनसक्सेसफुल लोगों के पास सिर्फ क्या होती हैं, जीवन में समस्याएं, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या हो गया। आपने वही बात है ना, मैं इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट टाइम। कोई आपको बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज। आप उन चीज़ों को तो टाइम दे रहे हो ना जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसको आपको लगता है कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी, आप उसको तो टाइम दे रहे हो।
जो आपको लगता है लीस्ट प्रायोरिटी पे है आप उसको टाइम नहीं दे रहे। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है मेरे पास समय नहीं है, तो ये कह देना, समझ जाना कि आप उसके लिए लीस्ट प्रायोरिटी पे हो, इसीलिए आपके आपके लिए उसके पास समय नहीं है। सीधी बात यही है, 24 घंटे कहाँ व्यतीत हो रहे हैं, कहीं तो हो ही रहे होंगे ना, तो जो उसके लिए प्रायोरिटी होगी वहां व्यतीत हो रहे हैं उसके पास टाइम, आपके लिए टाइम नहीं है तो कह रहे टाइम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज, एंड यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज कि मेरे पास दिन में 24 घंटे है, मुझे अपना मैक्सिमम टाइम किसको देना है। पढ़ाई को दोगे सीए बन जाओगे, मैक्सिमम टाइम फालतू चीजों को दोगे तो फालतू ही बनोगे। जिसको टाइम दोगे, जिसकी प्रैक्टिस करोगे, जिसकी रिविजन करोगे, वो बन जाओगे, सीधी सी बात है। तो पूरे बैच के दौरान बीच बीच में ऐसे इंजेक्शन में तुम्हें ठोकता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट, अगर आप गलत जा रहे होगे तो वापस आ जाओगे। मैं आपको बीच में जिसे कहते हैं ना मोटिवेशन का डोज देता रहूंगा, लेकिन यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड टिल योर एग्जाम्स एंड परफॉर्म बेटर या बेस्ट, एंड वही आपके माता पिता की हार्ड एंड मनी को रास्ते लगाएगा और आपके जीवन को रास्ते लगाएगा। अभी लोगों को ना एक अटेम्प्ट की वैल्यू समझ नहीं आती। मेरे पास कोई आता है सर एक अटेम्प्ट है नवंबर का दे दूँ, मई क्या होगा, मई में दे दूंगा। 6 महीने की कीमत है तुम्हारी 3 लाख रुपये, मरे से मरी। मतलब अगर 6 महीने तुम लेट सीए बनते हो ना, मरे से मरे 50,000 रुपये महीने के अगर तुम्हारे सीए बनने के बाद शुरू होती है जॉब, 6 महीने के 3 लाख रुपये हो गए। ये तुम्हें अभी समझ नहीं आती, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग अटेम्प्ट लेटर। अभी आपको अभी समझ नहीं आएगा, अभी आपको ठीक है एडोलेसेंट एज चल रही है, मजे है, क्या दिक्कत है, अगला अटेम्प्ट दे देंगे। इट इज कॉस्टिंग यू 3 लाख रुपए मरे से मरे। अगर 1 लाख रुपए की जॉब आपकी लगती सीए बनने के बाद, 6 महीने लेट बनोगे सीए, 6 लाख रुपए आप गवा चुके अपने जीवन के। और वही 6 लाख, अब सीए की एंगल से बोलू, वही 6 लाख एट द एज ऑफ 25 इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स एट द रेट 20% पर एनम, वो 6 लाख आपके 6 करोड़ बन जाएंगे 60 साल की उम्र तक। आपका रिटायरमेंट का पैसा तैयार है, आप 6 महीने सीए बनोगे जल्दी। तो मैं अभी आपके सामने कैलकुलेशन कर सकता हूँ, दिखाऊं आपको। आप इन चीजों में बिलीव नहीं करते ना, मैं अब करने लगा हूं, जब मेरे को भी नहीं होता था, लेकिन मैंने कहा नहीं आपको दिखाऊंगा। देखो मान लो, एग्जाम्पल समझ के चलना। ये देखो, अगर आपने 6 लाख रुपए ठीक है इन्वेस्ट किए, चलो मंथली नहीं कहता, मंथली 50,000 कहता हूं, अगर 6 लाख पूरे साल के हुए तो 1 महीने के 50,000 हुए ना, इसमें मंथली वाला कैलकुलेटर है ये। मंथली अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न शेयर्स में आज की डेट में, अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छे शेयर्स में, मरे से मरी रिटर्न 20% पर एनम आपको मिल जाएगी। 50,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो मंथली बेसिस पे फॉर 20% की रिटर्न फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, अभी आप 25 साल में अगर सीए बनते हो, 55 की उम्र तक 30 साल है आपके पास, आपका पैसा देखो कितना हो जाएगा। अगर आप 50,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो, हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो फॉर 20% एट द रेट 30 साल के लिए, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी 1.8 crore, लेकिन उसकी वैल्यू जब आप रिटायर होगे 55 साल की उम्र में तो उसकी वैल्यू 114 करोड़ रुपए होगी। लोगों को ये नहीं समझ में आती चीजें, वो अभी इन चीजों में ध्यान ही नहीं देते। जितनी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दोगे, बहुत सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, इंटर में आओगे बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, ये सब चीजें एफएम में पढ़ोगे मेरे साथ, ये सब चीजें बहुत सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए मैं सीए बन जाऊं, जितनी जल्दी से जल्दी मैं सीए बनूंगा उतनी मेरी अर्निंग शुरू होगी, अर्निंग शुरू होगी तो इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, इन्वेस्टमेंट शुरू होगी तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ, नो बिग डील इन दैट, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना लेक्चर बहुत था। सारे एग्जाम के सवाल आपको कॉपी में करने हैं और अच्छे से करने हैं और अच्छे से सीए बनना है, रैंक लेके आनी है, ये थॉट अपने दिमाग में माथे पे अपनी अलमारी के सामने लिख दो, मैं रैंक लेके आऊंगा या आऊंगी और मैं रैंक लेके आ सकती हूँ या कुछ भी एक्स वाई जेड, वो लिखो अपने सामने और रोज उसको देखो, उसको प्रैक्टिस करो। व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस दैट, जो आपको बनना चाह रहे हो उसको डेली प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो बात को। नेगेटिव चीजों से छोड़ के पॉजिटिव चीजों में आओ तो आप एक बार में सीए बन जाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।